ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। फ्रेंड्स, आज हम एक करंट रीडिंग्स पे, करंट एनर्जी पे ऑफ योर पार्टनर पे रीडिंग करने जा रहे हैं, और जिसमें मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी निकालूंगी, देन आपके पार्टनर की, एंड फाइनली मैं डिवाइन गाइडेंस निकालूंगी। फ्रेंड्स, सो ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं रखेंगे, जितना अप्रोप्रिएट होगा। और फ्रेंड्स, पर्सनल रीडिंग के लिए मैं नंबर ऊपर फ्लैश कर रहा है, आप उसमें मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसमें व्हाट्सएप करें। सबसे पहले आप व्हाट्सएप करें, आपको सब कुछ डिटेल्स आएंगी, एंड देन आप अगर इंटरेस्टेड हुए रीडिंग में तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट करना। और दूसरी बात, जो भी लोग ने मेरे चैनल पे अभी ज्वाइन किया है या न्यू है मेरे चैनल पे, प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें, तभी मुझे पता लगता है कि आई एम डूइंग द राइट वर्क। सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक टाइमली पहुँचे। ऑल राइट, सो इसी के साथ, इसी पॉजिटिव नोट पर हम इस रीडिंग को अब स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ऑल राइट, सो एक्वेरियस राशि देखते हैं आप किस एनर्जी में हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जीज निकालते हैं फ्रेंड्स, एक्वेरियस की एनर्जीज निकालते हैं। किंग ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, द एम्परर, एट ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ द ईयर। सो सबसे पहला तो आप अभी अपनी पावर में हैं, अपनी जोन में हैं, अपने अकॉर्डिंग आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करने की, चीज़ों को पूरा आपका मतलब वही चल रहा है। और कहीं ना कहीं अगर आपके बीच में मुझे दिख रहा था कि शायद एक्वेरियस में थोड़ी सी स्ट्रेंथ की कमी आ रही थी, तो फिलहाल आपके अंदर बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है। चीज़ों को आपने काफ़ी अच्छे से समझ लिया है, अपने ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, करियर पे काम कर रहे हैं, और जो चीज़ें शायद आपके बस में नहीं हैं, जो आपको समझ में नहीं आ रहा, जो आप जहाँ पर कुछ चीज़ों को नहीं संभाल पा रहे, उन चीज़ों को अब आपने भगवान पे छोड़ दिया है। आपने सोचा इस रिलेशनशिप में अगर कुछ डिसीजंस मेरे हाथ में नहीं हैं, जो मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ, उन्हें मैं भगवान पे छोड़ देता हूँ, शायद वही वक्त आने पर चीज़ों को देख लेंगे या संभाल लेंगे, कुछ इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं आप, मुझे ज़्यादा ये दिख रहा है। भले ही आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा लव करते हैं, अफेक्शन करते हैं, बट उसके लिए आपने अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे नहीं लगाया। आपने अपनी पूरी पावर में हो, एम्परर के कार्ड से मुझे दिख रहा है, आप अपने फुल पावर में हो, फुल एटीट्यूड में हो, अपने ऊपर भी फुल काम कर रहे हो, कहीं भी आपने खुद को सेक्रीफाइस या एक वैसे वाला नहीं किया कि मैं खुद को कहीं निग्लेक्ट कर दूँ। सो जो कि बहुत अच्छी बात है, आप बैलेंस्ड दिख रहे हैं मुझे, तो प्यार है तो है, लेकिन हाँ, उसके लिए मैं खुद को नहीं गवा दूँगी या गवा दूँगा, ये बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है। ठीक है, ये है आपकी एनर्जीज। अब मैं आपके पार्टनर की बताती हूँ क्वेरीज, वो किस एनर्जी में है। सो करंट एनर्जीज ऑफ एक्वेरियस पार्टनर, एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जीज, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, हेरोफेंट, एट ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस। सो देखो, जहाँ तक मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे दिखी है, उनकी शुरुआती फर्स्ट कार्ड से दिखा है कि थ्री ऑफ वॉन्ड से मुझे ऐसा दिख रहा है वो कुछ लाइफ में प्लान कर रहे हैं। इस टाइम उनके दिमाग में बहुत सारे प्लान्स चल रहे हैं, पीछे वो कुछ चीज़ों से भागे थे, कुछ रिश्तों से भागे, कुछ सिचुएशन से भागे, कुछ इस तरीके से भागे,
कुछ चीज़ें उनके लिए बर्डन हो गई थी, कुछ चीज़ें उन्हें समझ में नहीं आ रही थी कि रिलेशनशिप को या रिश्तों को उन्हें कैसे संभालना है, कैसे चलना है। लेकिन फ़िलहाल मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है, अब वो एक अपनी ज़िंदगी में और इस रिलेशनशिप में ग्रोथ लेके आना चाहते हैं। अगर वो बात नहीं कर रहे थे तो आपसे बात करेंगे, मुझे दिख रहा है। सो विद इन 2 weeks और 2 months के बीच में आपसे वो बात करने के प्लान्स बनाएंगे, जो मुझे दिख रहा है। और एम्प्रेस के कार्ड से मुझे एक चीज़ जो दिख रही है सॉरी एम्प्रेस के कार्ड से दिख रहा है कि वो आपको कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट समझते हैं अपनी लाइफ में। आपको ये ऐसे हल्के में नहीं है एक्वेरियस कि आपको ऐसे लाइटली ले लिया जाए। आप उनके लिए बहुत मैटर करते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंस है आपकी लाइफ में। धीरे धीरे ही सही वो आपकी बातों को, आपके बिहेवियर को समझ रहे हैं। और जो उनके अंदर की नेगेटिविटीज़ हैं, जो वो ईगो दिखाते हैं, या अगर कभी कभी आप दिखा देते हो उनको, तो वो उन चीज़ों को समझ रहे हैं कि ये वक्ती समय के साथ चीज़ें हैं, थोड़ी देर के लिए आती हैं और चली जाती हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप उनको कितना ज़्यादा पसंद करते हैं, कितना उनके ऊपर फोकस करते हैं। और आज तो आपके कार्ड्स बहुत अच्छे आए, आप बहुत बैलेंस्ड वे में चीज़ों को आप डील करते नज़र आ रहे हैं। और सो आपके पार्टनर भी पुरानी चीज़ों को लेट गो करते नज़र आ रहे हैं और एक हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। मुझे काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं आज आपके एक्वेरियस। सो मुझे नहीं कहीं से भी दिख रहा कि कुछ भी ऐसा नेगेटिव है। हो सकता है आपके पार्टनर थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर आपसे चीज़ें करें या बात कहें, तो आप भी थोड़ा उनको लाइटली लें। आप भी एटीट्यूड या किसी तरीके की गलत व्यवहार उन्हें ना दिखाएं, ठीक है। सो ये मुझे आपके पार्टनर के कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। अब मैं आपकी लिए डिवाइन गाइडेंस निकालती हूँ कि आपको जो भी सिचुएशन है उसके अंदर क्या करना चाहिए। सो फियरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। सो मे बी कोई चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपने कुछ टाइम से जैसे आप मूवी में आता है ना, क्लाइमेक्स आता है एक, उसी तरह का शायद एक क्लाइमेक्स है जो लाइफ में अब आपके आने वाला है, जो आपको शायद बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देगा, चीज़ें क्लियर करेगा, आगे का पाथ साफ करेगा। तो एक अच्छा है अगर कोई क्लाइमेक्स आता है लाइफ में। सो ऑलवेज़ वेलकम दोज थिंग्स, ठीक है। You are good enough, तो आप में कोई कमी नहीं है, आप हमेशा ही परिपूर्ण हैं, आपके अंदर हर वो चीज़ है। बट अपने अंदर किसी भी तरह का कॉम्प्लेक्स मत लाइए या इनसिक्योरिटीज़ मत लाइए। और रिलेशनशिप अगर चलता है तो बहुत अच्छा है, नहीं चलता है तो खुद में कमियां मत ढूंढते रहे हर समय। ये आपसे कहने की कोशिश की जा रही है, ओके। सो ये थी फ़िलहाल आपकी फ्रेंड्स डिवाइन गाइडेंस। एनर्जी मैच की हो तो प्लीज़ मुझे बताना, रेजोनेट की हो तो प्लीज़ मुझे बताना, क्लेम करना एनर्जीज़ को। मैं अगली रीडिंग में मिलती हूँ फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।